तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो लोग जंगल में जा रहे होते हैं और ये दोनों साइंटिस्ट होते हैं और किसी चीज के पीछे शोध कर रहे होते हैं। जहां भी इन्हें जंगल में किसी चीज के होने का एहसास होता है, चारों तरफ झाड़ियां रहने लगती हैं और जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बड़ा सा सांप वहां खड़ा होता है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। प्रोफेसर भाग के जाते हैं साइंटिस्ट ली के पास और उनसे कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है, हम चाहते हैं कि आप जंगल में जाएं और हाइड्रा के होने के इनफ प्रूफ लेकर के आएं ताकि हम उसका इस्तेमाल लोगों का इलाज करने में कर सकें। वो बताते हैं कि हाइड्रा एक बहुत बड़ा सांप है जिसके 8 से 9 सर होते हैं और इस सांप की जेनेटिक डिजाइन इतनी अलग है कि वो काफी बीमारियों का इलाज अपने शरीर में लेकर के घूमता है। अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम काफी लोगों का इलाज कर सकते हैं। ली उसकी बात से ज्यादा सहमत नहीं होते हैं। तभी प्रोफेसर उससे कहते हैं, तुम्हारी मरी हुई गर्लफ्रेंड अगर इस जगह पे होती तो वो इस प्रोजेक्ट को तुरंत ले लेती। अब ली अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर के तैयार हो जाता है और अपनी टीम को लेकर के वहां से निकल जाता है। उसके साथ में प्रोफेसर अपनी एक स्टूडेंट को लेकर भी आते हैं। वो लोग बस से आगे जा रहे होते हैं जहाँ रास्ते में उनकी बस पे एक लकड़ी गिरती है आकर के। वो लकड़ी को हटाते हैं तभी वहां पे ली की एक स्टूडेंट निकल के आती है। वो ली से कहती है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ली उससे काफी मना करते हैं लेकिन वो लड़की जंगल में अकेली होती है और ली से काफी जिद करती है। इस वजह से ली उसको अपने साथ लेकर के आगे चल देता है। आगे जाने के बाद डेड एंड आ जाता है और गाड़ी वहां से आगे नहीं जा सकती थी, इस वजह से वो सब वहां से पैदल निकल जाते हैं। जब ड्राइवर मुड़ करके पीछे जा रहा होता है तभी उसको एहसास होता है कि उसके अगल बगल कोई है। तभी उसके सामने हाइड्रा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और ड्राइवर का वहीं पे खात्मा हो जाता है। वहीं जंगल में हम देखते हैं कि वो लोग एक कैंप साइट पे पहुंचते हैं और प्रोफेसर वहां पे प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पे 6 दिन रुकेंगे और 6 दिन में हमें इनफ प्रूफ लेने हैं कि यहाँ पे हाइड्रा है और इसके बाद हम यहाँ पे टीम लेकर के आएंगे। वो लोग कैंप डाल करके वहीं पे सो जाते हैं, जहां रात को प्रोफेसर के टेंट में कोई हाथ डालता है लेकिन वहां बंदा डॉग भौंकने लगता है। इस वजह से सब लोग जाग जाते हैं और वो लोग उस आदमी को नहीं पकड़ पाते हैं जो प्रोफेसर के टेंट में जा रहा था। प्रोफेसर बताते हैं कि मेरे टेंट में एक बॉक्स है जिसके अंदर मेरे इंसुलिन रखे हुए हैं। असल में मुझे डायबिटीज है, इस वजह से मुझे इंसुलिन की अक्सर जरूरत रहती है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी मौत हो सकती है। तभी वहां पे खड़ा आदमी अपने कुत्ते को खोल देता है क्योंकि वो काफी भौंक रहा होता है और कुत्ता जंगल में किसी और निकल जाता है। अब उसके पीछे ली अपनी टीम के साथ निकल जाता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहीं पे कहीं हाइड्रा होगा। वो हाइड्रा को ढूंढते ढूंढते आगे जाते हैं, वहां उन्हें कुछ मिलता नहीं है। वो वहां से वापस लौटने लगते हैं तभी उनमें से एक को हाइड्रा जान से मार देता है। वो लोग उसको ढूंढते हुए वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी टीम का मेंबर पेड़ के पास खड़ा हुआ है। लड़की जाकर के जैसे उस आदमी को छूती है वो नीचे गिर जाता है और उसकी नाक और आंख से खून गिर रहा होता है। वो लोग जान जाते हैं कि हाइड्रा ने उसको जान से मार दिया है। तभी हाइड्रा वहां पे आ जाता है और वो उस लड़के को घसीटने लगता है। वो सब लोग हाइड्रा के ऊपर गोली चलाते हैं लेकिन उन गोलियों से हाइड्रा को कुछ होता नहीं है और वो वहां से भाग जाता है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मैंने उसको लैब में बनाया था, मेरी एक गलती की वजह से वो इतना बड़ा हो चुका है। इस वजह से मैं यहाँ पे एक हार्मोन का इंजेक्शन लेके आया हूँ, एक बार हम अगर उसके लगा देंगे वो तो उसकी मौत हो जाएगी और आगे जाकर के वो लोगों को मार नहीं सकेगा। ली उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं और वो अपनी टीम से कहते हैं कि हमारा एक साथी मारा जा चुका है, हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकेंगे, कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि वो जंगल से चले जाते हैं बाहर की ओर लेकिन उनको कहीं का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। प्रोफेसर अपनी साइंटिस्ट दोस्त जो असल में एक बॉडीगार्ड होती है उसके साथ उस झोपड़े में जाकर के आराम करने लगते हैं। वहीं जंगल में ली अपने साथियों के साथ आगे निकल रहा होता है जहाँ पे युवान को अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो कुत्ते के पीछे जाता है तो देखता है कि कुत्ता एक लकड़ी के गट्ठर के नीचे छुपा हुआ है। वो उसको बाहर निकालता है तभी वहां पे हाइड्रा आ जाता है। हाइड्रा को देख करके कुत्ता उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन हाइड्रा कुत्ते को घसीट ले जाता है। वहीं दूसरी ओर युवान फंस जाता है लकड़ी में और वो निकलने की काफी कोशिश कर रहा होता है। वो हाइड्रा के ऊपर अटैक कर देता है, वहीं हाइड्रा वहां से भागने लगता है और युवान खाई से नीचे गिर के मर जाता है। ली वहां पे झूठ बोल देते हैं कि मेरे पास भी एक हार्मोन का इंजेक्शन है, प्रोफेसर का हार्मोन इंजेक्शन चोरी हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी एक इंजेक्शन है। ये बात सुनने के बाद वो देखते हैं कि वहां पे बाकी तीन में सिर्फ एक आदमी का मुंह थोड़ा बदल रहा है और ये वही आदमी होता है जो मूवी के स्टार्ट में लड़की के साथ जंगल में गया होता है। वो सभी लोग बैठ करके आराम कर रहे होते हैं तभी वो आदमी आ करके ली के ट्रैंकुलाइजर से उस हार्मोन के इंजेक्शन को निकालने की कोशिश करने लगता है। ली उसको पकड़ लेते हैं और उसको लेकर के जाते हैं प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर से वो कहता है कि यही वो आदमी है जिसको आप ढूंढ रहे थे, ये आपको हार्मोन का इंजेक्शन चुराना चाहता था। वो आदमी वहां पे ये कह देता है कि मैं बस ट्रैंकुलाइजर गन को उठाना चाहता था क्योंकि मुझे उस हाइड्रा को मारना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें मार देगा। वो लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं और उसको वहीं पे बांध देते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि हमें हर हाल में उस हाइड्रा को मारना होगा क्योंकि वो इतना बड़ा है और इतना दिमागदार है कि वो हम सबको मार सकता है। वो एक लैब में बना है, इस वजह से उसका दिमाग इंसान से भी तेज हो सकता है। हाइड्रा के 9 सर होते हैं और जब तक हम उसके सारे सर नहीं काट देंगे वो जिंदा होता रहेगा। अब वो लोग खूब सारे खरगोशों को पकड़ लेते हैं
और वहां पे लग जाते हैं एक ट्रैप बिछाने में। वहीं दूसरी ओर उस आदमी को उन्होंने झोपड़े के अंदर बांधा हुआ था और उसके पास हाइड्रा आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। प्रोफेसर बाहर होते हैं और जब वो अंदर भाग के आते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी को वहाँ पे जूता पड़ा हुआ है और वहाँ पे खूब सारा खून पड़ा हुआ है। बाकी टीम अंदर आती है और ली गुस्साते हुए प्रोफेसर से कहता है कि मुझे लग रहा है कि आपका ये सब जाल है, आपने उसको मार दिया, ये कह करके कि वो एक एजेंट था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब आप कर रहे हैं। तभी वो लोग प्रोफेसर को मारने चलते हैं, तब वहाँ पे प्रोफेसर की बॉडीगार्ड उन दोनों लड़कों के ऊपर अटैक कर देती है। फॉरेस्ट रेंजर काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो हरा नहीं पाता उस लड़की को। बाद में ली इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देता है उस लड़की के और उसका बीपी लो होने लगता है और वो वहीं पे बैठ जाती है। वो प्रोफेसर को वहीं पे बांध देते हैं उस लड़की के साथ। ली प्रोफेसर से कहता है कि मुझे ये सब आपके बिना करना होगा क्योंकि आपके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। अब वो खरगोश को जंगल में छोड़ देता है और हाइड्रा खरगोश को सूंघते सूंघते वहां पे आ जाता है। वो उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, हाइड्रा वहां से भागने लगता है। इसके बाद वो लोग उसको एक जाल में कैद कर लेते हैं और फॉरेस्ट रेंजर आकर के हाइड्रा के सर में गोली मारने लगता है। वो उसके 8 सर फोड़ देता है। इसके बाद जब 9वें सर का नंबर आता है तो वो अपनी तलवार निकाल के थोड़ा स्टाइल में उसका जाल काट के उसका सर उड़ाने की कोशिश करने लगता है। ली उससे भाग करके आके कहता है कि तुम्हें जल्दी इसको मारना होगा, ये बहुत ही खतरनाक सांप है। इतने में हाइड्रा खड़ा हो जाता है और वो उस फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर अटैक करने लगता है। फॉरेस्ट रेंजर वहां पे फंस जाता है। तभी वहां पे ली की स्टूडेंट आती है और वो टॉर्च से हाइड्रा की आंख में रोशनी मारने लगती है जिससे हाइड्रा को दिखने में दिक्कत होने लगती है। उतने में वहां पे बाकी सर उठने लगते हैं हाइड्रा के और ये देख करके ली वहां से अपनी स्टूडेंट को लेकर के भाग जाते हैं और वो फॉरेस्ट रेंजर हाइड्रा के हाथों मारा जाता है। अब ली वहां से जंगल की ओर भागता है क्योंकि उसे हर हाल में यहां से बाहर निकलना है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रा जाता है उस झोपड़े में जहां प्रोफेसर अपनी बॉडीगार्ड के साथ बंद था और वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। अब जंगल में आगे भागते भागते ली की स्टूडेंट उससे कहती है, सैटेलाइट फोन तो प्रोफेसर के पास है, हमें वहां जाकर के सैटेलाइट फोन लाना चाहिए। वो लोग झोपड़े की तरफ जाते हैं जहां पे उन्हें प्रोफेसर मिलते हैं जो बेहोश होते हैं और पीछे वो देखते हैं तो बॉडीगार्ड को हाइड्रा खा रहा होता है। और इतने में वो सैटेलाइट फोन उठा ही रहे होते हैं कि तभी वो बजने लगता है और उसके बजने की वजह से हाइड्रा उनकी तरफ देखने लगता है, पर वो लड़की को खाने में बिजी होता है इस वजह से वो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। सैटेलाइट फोन दोबारा बजता है और अब हाइड्रा पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है और उन लोगों को वहीं पर रोक सकता है। और उतने में वहां पे वो आदमी आ जाता है जो मूवी के स्टार्ट में साइंटिस्ट के साथ गया था। असल में सैटेलाइट फोन को वही आदमी बजा रहा होता है। वो उन लोगों से कहता है, मैंने अपनी मौत का नकली नाटक किया ताकि मैं हार्मोन इंजेक्शन को आराम से चुरा सकूं और तुम लोगों से बच के यहां से निकल सकूं। तभी वहां पे ली की मरी हुई गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो ली से कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे 5 साल मरे रहने का नाटक करना पड़ा। ली उससे पूछता है, ये सब तुमने क्यों किया? तब हमें दिखाया जाता है पीछे का समय जब जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग की वजह से ली मना करता है अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हुए कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हम इंसान हैं भगवान नहीं, अगर हम जानवरों से ऐसे खिलवाड़ करेंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ली की गर्लफ्रेंड उससे कहती है, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, और अंदर जाके लैब में ब्लास्ट कर लेती है नाटक दिखाने के लिए कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन असल में हाइड्रा को उसने ही बनाया होता है और प्रोफेसर को अब तक लगता था कि हाइड्रा उनकी गलती की वजह से बना था और मेन विलन ली की गर्लफ्रेंड ही थी। ली की गर्लफ्रेंड ली से कहती है, मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। ली नकली नाटक करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी लेके आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात सुनने के बाद वो ली के गले लग जाती है और ली उसकी जेब में पड़ा हॉर्मोन्स का इंजेक्शन निकाल लेता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड हाइड्रा से कह देती है कि इन लोगों के ऊपर अटैक करो। इतने में ली गन उठा लेता है और वो उसके बगल में खड़े उस आदमी को जान से मार देता है। हाइड्रा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और हाइड्रा से बचने के लिए ली गन से उसके सरों को फोड़ने लगता है। इतने में ली की स्टूडेंट गोली चला देती है ली की गर्लफ्रेंड के ऊपर और उसके हाथ में गोली लग जाती है। ताजा खून की महक सूंघने के बाद हाइड्रा उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है। ली उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि है तू एक जानवर ही, तुम चाहे कुछ भी कर लो, आखिर में जाकर के ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक बनेगा। इतने में हम देखते हैं कि ली की स्टूडेंट को भी हाइड्रा ने जकड़ लिया है। ली मौका देख करके अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ से उस हार्मोन के इंजेक्शन को ले लेता है और वो जा करके हाइड्रा की पूंछ में लगा देता है जिससे हाइड्रा की मौत हो जाती है और ली की स्टूडेंट बच जाती है। ली अपने स्टूडेंट और प्रोफेसर को लेकर जंगल से निकल रहा होता है जहां प्रोफेसर बताते हैं कि सैटेलाइट फोन में कॉल आया था और वो हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। इतने में बगल में एक घोंसला दिखाया जाता है जिसके अंदर हाइड्रा के अंडे होते हैं और उनसे सांप निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट रेंजर
बच गया होता है और उसकी आंख जंगल में खुलती है। वो जंगल में आगे भागता है रास्ता ढूंढने के लिए। तभी जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक बड़ा सा हाइड्रा खड़ा रहता है और वो अटैक कर देता है उस फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।